हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग जहां रहिए ठीक ठाक रहिए, हम भी ठीक हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सुबह मैं एक ब्लॉग डाला था जो कि राधा भाभी की चैनल पे चैनल ही ख़त्म कर दिया गया स्ट्राइक मार के, और बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए आज हम कुछ उसके बारे में फिर से आप सबके बीच ला रहे हैं। बहुत ही जल्द पता चलेगा कौन स्ट्राइक मरवा रहा था और कौन चैनल डिलीट करवाया है, उसका नाम बहुत ही जल्द पता चलेगा। जब तक जो है राधा भाभी नहीं खुलासा करेंगी, तब तक हम सब कैसे बताएंगे। बाकी बीच में भी हमारे चैनल पर पहले जैसे ब्लॉक होता था, हमारा वीडियो ब्लॉक होता था तो हम बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद हमारा और भैया का भी, उसके बाद हम भैया गए CMS में चैनल दे दिए तो फिर कुछ प्रॉब्लम था। भैया के चैनल पर डायरेक्ट स्ट्राइक आ गया था, वो जो स्ट्राइक मारी थी डायरेक्ट 5-6 स्ट्राइक मारा गया था भैया के चैनल बड़े वाले आके रजनी कौशल पे। हमारा सिर्फ ब्लॉग ही हो रहा था, लेकिन भैया के भी एकदम बर्बादी छा ली है, तब से घर द्वार नहीं बन पा रहा है। भैया के मारे हमारा एकदम जिंदगी है नाश कर दी, एकदम पूरा जान लीजिए सारा करियर ही खत्म कर दिए। और देखिए जब से हम भी दिए हमारा भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बढ़िया। बाकी जो भी ये काम कर रहा है उसको बहुत जल्द पकड़ के लाया जाएगा मार्केट में, और उसके बाद उसकी कुटैया भी होगी, सामने आएगा उसकी कुटैया भी होगी, ठीक है। और अभी देखते हैं राधा कब तक वीडियो दूसरा अपलोड करती हैं। और बाकी हम राधा भाभी से एक बात कहेंगे जो कि स्टूडियो वाला मामला था, उस पर जो है वो तो हम नहीं जानते हैं क्या आपके साथ हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अभी भाभी कहीं जा रही हैं, उनसे भी थोड़ा मिलवा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाभी भी आ चुकी हैं कुछ लेकर बाबू के लिए। चलिए भाभी चली गई बाबू को खिलौना देकर, ठीक है। हम चलिए बात करते हैं स्टूडियो वाला जो भी मैटर है, जो कि वो तो हम नहीं जानते हैं, वो आप सबका मैटर है। क्योंकि जितना खास आप मेरे लिए हैं उतना भैया भी हैं, जो कि स्टूडियो से हम लोग भी काम कर रहे थे, आप भी काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं आपको भी वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला राधा भाभी। और उस चीज़ को आप बैठ के पूरा बढ़िया से समझौता कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि दुश्मनी बहुत ख़राब चीज़ होती है, हम तो यही जानते हैं। देखिए हम भी इतना परेशान थे, लेकिन सारा चीज़ हमारा भी सॉल्व हो गया। उसी तरह आप भी अपना समझौता कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम था, जिससे प्रॉब्लम था वो चीज़ आप डायरेक्ट जो है कह के और फाइनल कर लीजिए। बाकी इधर सालू जी आ गई हैं, झोखरी बनी हुई हैं, इनको कह रहे हैं नहाने के लिए। बाबू का मुंडन भी है, पूरी तैयारी करना है, लेकिन तैयारी वारी नहीं करनी है आज, इनको मारेंगे भी। कहा 5000 रुपया हमेशा ऐसे करती हैं, 5000 5000 बताइए कहाँ से लेकर आए। हमारे समय बहुत टेंशन। तो राधा भाभी आप जल्दी से वीडियो कंफर्म करिए कि कौन है स्ट्राइक मारा है। हाँ, एकदम साफ साफ बोलिए, एकदम मुद्दे की बात करिए। हाँ एकदम, जो चीज है उसको उठाइए मैटर, क्योंकि बताइए आपका बात है ना, उसको छोड़िए, जिंदगी खराब कर रहे हैं, आपका जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसको जल्दी से उठाइए मैटर। हम तो एकदम व्याकुल है, एकदम क्या बताए, गुस्सा से हम लाल पियर हो गए हैं एकदम। और दोस्तों मेरी बीवी ऐसी है, बहुत गंदी है, इसे कहा ना तू तो बहुत गंदी है, ये हो तो बतावा तब तू का करबू अगर जान जाबू की के स्ट्राइक मारी से। ऐसे जुनो आग करके ऐसे मुरी से वैसे कि बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, जब जान सकते हैं कि मतलब कैरेक्टर कैसा है इनका। बाकी 5-6 लोग को मार भी चुकी हैं अभी तक ना, जब से गोरखपुर में आए हैं 5-6 लोग को मारी हैं, मतलब क्यों नहीं दोस्तों। हम देखिए किसी के साथ हम गलत नहीं करते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ भी गलत ना। अगर जो गलत करेगा उसको कैसे करेंगे, घपर 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 से उसका मुंह पीट देंगे। तो वही चीज भाई, देखिए जितना प्यार हमारे देंगे, खिलाफ कोई मत जाइएगा। हम बार बार समझाते हैं ना, हम किसी के खिलाफ बोलते हैं ना, हमारे खिलाफ बोलिए। देखिए जो बात रहे एकदम साफ साफ बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे हाँ हमारी गलती है हम, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है आप लोग ऐसे करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, ज़्यादा बोलने लगती हैं कभी कभार, ठीक है। और दोस्तों देखिए कभी किसी को झूठा आरोप या जो भी हो नहीं हम लोग लगाते हैं ना कहते हैं, जो चीज़ सच्चाई रहती है वही चीज़ हम कहते हैं, ठीक है। बस हम राधा भाभी से यही कहेंगे, आप स्टूडियो से जुड़ी थी, आप वहाँ इतना दिन से काम कर रही थी, आपका भी फायदा हो रहा था, अब पहले हो रहा था, पता नहीं क्या है क्या नहीं आपके बीच। बाकी इस चीज़ को छोड़िए, आप जो है जो लड़ाई है उसको लड़िए, हम लोग पूरा खड़े हैं, एकदम सपोर्ट कर रहे हैं आपको दिल से, एकदम ये नहीं कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी बर्बाद हुए हैं उसके पीछे, हम लोग को भी बर्बाद किया गया है, तो हम लोग कैसे हटेंगे बताइए। आज जब देखिए सब ये, आज देखिए पहले मेरे साथ हुआ, भैया के साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ, और बाकी जितने लोग हैं धीरे धीरे सबको मिलेगा प्रसाद।
लेकिन हमारे साथ मतलब हमारे पे स्ट्राइक नहीं आया था, लेकिन स्ट्राइक आने वाला था, लेकिन हम उसके पहले ही सतर्क हो गए थे ना। हाँ, हमारे भैया के चैनल पे इतना स्ट्राइक मारा गया कि पूरा खत्म ही कर दिए चैनल ही। बड़े वाले चैनल पे कमाई ही नहीं होती, मेरे भी चैनल पे नहीं कमाई होती। विश्वास नहीं तो हम दिखा देंगे आप सभी को, अगर कमेंट करेंगे कि हम कितना कमाते हैं आप सबको दिखा देंगे। यकीन नहीं होगा, इतना महंगाई है, इतना खर्चा है, इतना क्या है, आधा कमाते हैं आधा 30% उधर ही चल जाता है माइनस पे, जहाँ चैनल है इसकी वजह से पैसा वैसा नहीं बचता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अब जो भी अपडेट रहेगा आप सबके बीच बताया जाएगा, कौन है पता चल जाए उसके बाद ठोकाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कनिक्स हैं जो कि खेल रहे हैं जीवी निकार के, इनकी मम्मी ने बड़ी मम्मी ने लेकर आया है क्या है पेंगुल, जो ताल में रहता है ना, ऐसे ऐसे खुद खुद भागता है। तो हमारे बेटे हैं, इनका भी मुंडन होने वाला है। बाबू के मुंडन में कौन कौन आएगा कमेंट करिए, कौन कौन आना चाहता है, मतलब जब मुंडन हो जाएगा, मुंडन तो बहुत दूर होगा, बिंदा चल होगा ना, जो कि वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जब घर पार्टी उट्टी मनाएंगे तब बर्थडे भी एक साथ और मुंडन भी, आप लोग आइएगा। ठीक है, अरे 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 अरे, बाकी हमारी ज़िंदगी अब सही हो गई है और फिर से जैसे सबको सपोर्ट करते थे। हाँ, बस हम यही चाहते हैं, देखिए हम दिल से सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई कुत्ती मत आए, बस हम यही चाहते हैं। जो मेरा घर उजाड़ना चाहे वो ना आए, वो हमसे 10 कदम दूर रहे, चाहे मुझे जो भी कहे, लेकिन जो हमारे बारे में भैया के बारे में भलाई सोचे वो मेरे ज़िंदगी में आ सकते हैं आराम से, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। बाकी जो भी बात हमारी बुरी लग हुई हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप बुरा गलत क्या बोले हैं। ठीक है, बाकी एक लोग के एक नहीं, इसमें कई लोग थे जो भी रूम पर रहते थे हमारे भैया के, उनकी भी बहुत सारी गलतियां थी, जो भी बताए थे सारी सच्चाई थी, सामने भी आएंगे हो सकता है, और वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।